हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है कि बहुत सारे गांव में आप गए हो, तो क्या माहौल लग रहा है आपकी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है। लोगों ने मन बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लोग चाहते हैं एक सशक्त भारत के लिए, एक सम्मानित भारत के लिए, एक गरीबों के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहते हैं, और इसीलिए लोगों ने तय किया है कि फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 10 की 10 सीटें जो है लोग मोदी जी को हरियाणा के देने वाले। अच्छा, जैसे यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि ज़्यादा ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कि इन्होंने जाट आरक्षण का भी जिक्र करते बहुत सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं चौधर की बात, चौधर तो उनके पास ना बैठे की ना बैठे की है। दिल्ली में मोदी बैठा है, यहाँ मनोहर लाल है, वो तो अपनी अपनी सीट बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, और पिछली बार जैसी सीट थी अब इस बार उतनी भी रहने की संभावना है नहीं। पिछली बार भी कांग्रेस के पास एक सीट थी, इस बार लगता है शायद कांग्रेस के पास एक सीट भी बचेगी नहीं। अच्छा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे भाई जाट एक साथ में आ जाओ, एक मंच पर आ जाओ, इसके बारे में, क्योंकि आप इस कम्युनिटी से संबंधित हैं। जागसी गांव में खड़ा हुआ हूँ, एक जात से तो सरपंच भी नहीं बनता, ये गांव वाले बता दें। सारे समाज को साथ लेके चलना पड़ता, एक जाति से तो सरपंच और पंच भी नहीं बनते भाई। इसलिए चुनाव, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव, तो समग्र समाज को लेके चलना पड़ता है, इस विराट समाज को लेके चलना पड़ता है। सबके सामने हाथ जोड़ो और सबसे निवेदन करो तो तब तो कोई बात बन सकती है। विभाजन से कोई इस प्रकार की जातीय विभाजन के आधार पर वोट मांगना ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। संपूर्ण समग्र समाज से वोट मांगनी चाहिए, उसी के सामने हाथ जोड़ना चाहिए, और सारा समाज बढ़ता है तभी कोई बढ़ता है। कल जो है तो नहीं बढ़ पाता। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल गोहाना में थे, उन्होंने ये कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रत्याशी है सोनीपत से कांग्रेस का, उसके ऊपर 5 CBI जेल और बेल वालों से दूर रहना, ऐसा कहा उन्होंने। देखिए, निश्चित रूप से बात है, सबको पता है कि राहुल भी बेल पे है, सोनिया भी बेल पे है, भूपेंद्र जी भी बेल पे है, सबको जानकारी है, और बेल वाले को पता नहीं कब जेल हो जाए, ये उसकी हमेशा संभावना बड़ी रहती है। बेल टूटी जेल हुई तो ये तो केस चल रहे हैं, उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट कहेगी। लेकिन बहुत सारे जो करप्शन के मसले थे, चाहे माड़ेसर के थे, चाहे वो प्लाटों के थे, सारे विषयों पर जो है वो फंसे हुए हैं, और उस नाते से अदालत उस बात का निर्णय करेगी।